फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे देसी चिकन करी। ये बिल्कुल घर के स्टाइल में बनेंगे, जैसे हम लोग घर में बना के खाते हैं नॉर्मली, वैसे ही हम लोग बनाएंगे। आइए बनाते हैं देसी चिकन करी। जय जगन्नाथ। 1.5 किलो चिकन लिए हैं, उसे अच्छी तरह क्लीन करके हम लोग कढ़ाई में रख दिए। अब इसको मसाला के साथ मिक्स करने के लिए हम लोग डाले, इसमें सरसों का तेल डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला डालें, ये गरम मसाला का पाउडर है, और इसमें डालेंगे वे चिकन मसाला का पाउडर डालेंगे। ये चिकन मसाला का पाउडर है एवरेस्ट का। अभी इसमें डालेंगे एवरेस्ट का मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये मिर्ची पाउडर हम डाल रहे हैं, एवरेस्ट का मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे, इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालो। ये अभी हल्दी पाउडर डाल दिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही डाल रहे हैं, अभी दही मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ये लगभग 5 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा, क्योंकि चिकन के साथ पूरा मसाला अच्छी तरह मिक्स होने से ना वो उसका फ्लेवर अलग सा आता है और टेस्टी लगता है खाने में। इसलिए हम लोग जो भी डाले हैं, थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट इसमें मिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं था, हम लोग पेस्ट नहीं बनाए थे, इसीलिए नॉर्मली मैं ये कर दिया। अभी थोड़ा धनिया पत्ता इसमें डाल लूँगा, मैं हल्का सा धनिया पत्ता मिक्स किया हूँ, और ये अदरक लहसुन पेस्ट भी डालते तो अच्छी तरह हो जाता, कोई बात नहीं। ये अभी हम लोग मिक्स करके इसको कम से कम 20 से 25 मिनट हम रख देंगे। ये तो हमारा चिकन बिल्कुल मिक्स करके रख चुके हैं, और ये लहसुन का पेस्ट बनाए हैं, और ये कटा हुआ प्याज है जो थोड़ा बहुत काट के रखा हूँ, और धनिया पत्ता है, ये अदरक का पेस्ट है। ये कुछ प्याज को मैं ग्राइंडिंग करके रखा हूँ, और कुछ टमाटर को ग्राइंडिंग करके रखा हूँ, और जो तेल यूज कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्चून का प्योर मस्टर्ड ऑयल है। सरसों का तेल ही मैं ज़्यादा करके यूज करता हूँ, रिफाइन तेल भी यूज करता हूँ फॉर्चून का, लेकिन ज़्यादा करके मैं ये करता हूँ। ये मेरा जो पूरा सेटअप रेडी है, अब बैठाएंगे कढ़ाई। अभी हम लोग कढ़ाई बैठा लिए, इसमें सरसों का तेल डाला हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैं फॉर्चून तेल तो यूज कर रहा हूँ, वही तेल। अभी तेल में हल्का सा मैं चीनी डालूँगा इसमें कलर के लिए, थोड़ा सा कलर आए जैसे, इसके लिए हल्का चीनी डाला। इसमें गोटा मसाला यूज किया, इसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, जीरा, तेज़पत्ता बाकी है। अभी कटा हुआ प्याज डाल के थोड़ा अच्छी तरह मिक्स करूँगा। कटा हुआ प्याज में थोड़ा सा डाला हूँ, जो 1.5 किलो चिकन के लिए इतना कटा हुआ प्याज नहीं है, क्योंकि 1.5 किलो चिकन के लिए मैं थोड़ा प्याज अलग से ग्राइंडिंग करके रखा हूँ, और इसमें थोड़ा डाला हूँ। थोड़ा मेरे को ग्रेवी बनाना है, ग्रेवी बनाना है थोड़ा सा करी के लिए। अभी इसमें मैं थोड़ा डाल रहा हूँ रेड चिल्ली पाउडर डाल रहा हूँ, तीखा लाल का, हल्का कलर के लिए। और ये जो प्याज मेरा थोड़ा सा 50% अभी गोल्डन ब्राउन हो गया, अभी इसमें मैं डालूँगा प्याज। डाल दिया ऑलरेडी कटा जो आपका ग्राइंडिंग किया हुआ प्याज था, वो मैं डाल दिया हूँ। अभी इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे बढ़िया से। ये प्याज हमारा 90% गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी मैं मसाला इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि वैसे करने से क्या होगा, जो ग्रेवी का कलर है वो बिल्कुल निखर के बाहर आएगा वो कलर, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। अभी ये हम लोग थोड़ा बढ़िया से इसको मिक्स कर रहे हैं। अभी हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया, थोड़ा नमक डाले इसमें, और इसमें थोड़ा सा मिक्स करके अभी हम लोग अभी अदरक और पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा हल्दी डाला हूँ मैं इसमें। अभी बढ़िया से हमारा देखो पूरा तेल बाहर आ गया, अभी मसाला से, अभी मसाला डाला ही नहीं, सिर्फ प्याज डाला हूँ, उसमें पूरा तेल बाहर आ गया। अभी मैं अदरक पेस्ट डाल रहा हूँ।
ये लहसुन पेस्ट है, अभी हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मेरा जो मसाला है ऑलरेडी गोल्डन कलर हो चुका है प्याज में ही, अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम लोग अभी इसमें चिकन पाउडर मिक्स करेंगे, धनिया पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा गरम पाउडर भी मिक्स करेंगे गरम मसाला का। धीरे 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 सब इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते भी जाएंगे, क्योंकि मसाला जितना भूजोगे उतना ही टेस्ट आएगा। यह अभी हमारा मसाला अभी पक गया अच्छी तरह, अभी इसमें डालेंगे चिकन मसाला पाउडर डालेंगे। ये एवरेस्ट का चिकन मसाला पाउडर मैं यूज किया हूँ और ये एवरेस्ट का गरम मसाला भी यूज किया हूँ। अभी इसमें हल्का धनिया पत्ता डाला हूँ और थोड़ा मिर्ची पाउडर डाला हूँ एवरेस्ट का। अब ये मसाला को अच्छी तरह भूजेंगे, पूरा बढ़िया से मिक्स करके हम लोग इसको अभी भूजेंगे बढ़िया से। अब इसमें जो टमाटर का पेस्ट डालूँगा, ये टमाटर पेस्ट डालने से क्या होगा, अच्छी तरह ग्रेवी बनता है बढ़िया से, एकदम एकदम मज़ा आ जाता खाने में ग्रेवी वाला चिकन, वो भी देसी चिकन ग्रेवी वाला मिल जाए ना तो मज़ा ही कुछ अलग आ जाता है। थोड़ा नमक इस्तेमाल किया हूँ इसमें, क्योंकि हमारा मसाला को पकने में थोड़ा नमक का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। और वैसे ही टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा नमक भी इस्तेमाल करता हूँ। यह अभी हमारा मसाला लगभग हो रहा है, बढ़िया सा तेल भी छोड़ दिया है। अभी थोड़ा सा जीरा पाउडर में डाला हूँ इसमें और हल्का सा हल्दी पाउडर भी डालूँगा, क्योंकि हल्दी पाउडर में थोड़ा सा प्याज में डाला था और चिकन में भी डाला हुआ है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं अभी इस्तेमाल किया हूँ। और इसमें ये थोड़ा धनिया पाउडर डाला हूँ अभी बस। अभी ये हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह भूजेंगे। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ मसाला को भूजने में, मैं मसाला को थोड़ा अच्छी तरह भूजने में टाइम लेता हूँ, क्योंकि मेरे चिकन में क्या होता है, जो ग्रेवी बनता है ना वो बिल्कुल टाइट ग्रेवी बनता है एकदम, कि खाने में मज़ा आ जाएगा। किसी को आप दोगे ना तो वो देखते ही उसका मज़ा आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये देख सकते हैं मेरा ग्रेवी कितना मस्त बना है। और भी थोड़ा टाइम इसको हम भूजेंगे बढ़िया से, थोड़ा पानी दे के अभी थोड़ा पानी दे के हम लोग इसमें भूजेंगे। थोड़ा पानी देंगे, थोड़ा पतला होता जाएगा, फिर से भूजेंगे। अभी जो हमारा जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसमें चिकन छोड़ सकते हैं। अभी हम लोग इसमें चिकन छोड़ेंगे, अभी पूरा रेडी है अभी मसाला, बिल्कुल तेल ऊपर आ गया और मसाला का कलर भी आ गया। अभी हम अभी यूज कर रहे हैं, चिकन डाल रहे हैं इसमें, और चिकन भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ डालने से या तो कढ़ाई पलट जाएगा या तो जो ग्रेवी है वो अपने हाथ में आएगा। थोड़ा बचा के थोड़ा थोड़ा करके फिर बाद में बढ़िया से डाल दीजिए। अभी इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाला के साथ, और बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको इसमें अभी आलू डालेंगे। अभी ये हम लोग कच्चा आलू इसमें रखे हैं, ये कच्चा आलू अभी डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि मैं आलू भूजा नहीं, कच्चा आलू खाने में टेस्ट आएगा। ये चिकन के साथ ऑलरेडी आलू पक जाएगा, लेकिन भूजा हुआ आलू और कच्चा आलू खाने में उसका टेस्ट अलग आता है। अभी ये मैं अच्छी तरह मिक्स करके अभी इसको हम एक थाली ढक देंगे इसके ऊपर। Find the real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real.
अभी हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी हम खाने की तैयारी करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा चिकन कितना कलरफुल बना हुआ है और किसी होटल से कमती नहीं है। आप होटल में जाके खाएंगे और खुद बना के खाने खाएंगे में कोई फ़र्क नहीं है, कितना मस्त बना है। अभी ये हमारा दोस्त लोग खाना खा रहे हैं, ये शशि नाम है और ये शरणा, अभी इन लोग खाना खा रहे हैं और हम भी खाएंगे। ये खाने के खा रहे हैं, अभी हम भी यहीं साथ में बैठ के खाते हैं, थोड़ा वीडियो शूटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले वो खाएं अभी हम लोग खाएंगे। आज खाएंगे हम लोग देसी चिकन करी और चावल और रायता, ये हमारा पूरा आइटम रेडी है, अभी हम लोग खाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा छोटी सी वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कहीं पे कुछ गलती हो रहा है तो हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा कि हम आगे जाके थोड़ा गलती को सुधार सकते हैं। अभी मैं तो ये चिकन का मज़ा ले रहा हूँ, आप भी अपना घर में चिकन बनाइए, पूरा बिल्कुल इसी तरह बनाइए और खाइए, देखिए कितना मज़ा आएगा। और ये जो ओमिक्रॉन का टाइम चल रहा है अभी कोविड का, अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों को सुरक्षित रखिए, ज़्यादा बाहर मत घूमिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया को बचिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।